हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री स्टडी फॉर यू। दिस इज बेबी एंड बी आर लर्निंग कोरल ड्रॉ। और कोरल ड्रॉ के वीडियो में हम लोग फाइल मीनू एडिट मीनू कर चुके हैं, अब हम लोग करेंगे व्यू मीनू। तो व्यू मीनू क्या होता है? बेसिकली व्यू मीनू का यूज हम लोग व्यू के लिए करते हैं, जैसा कि नाम से भी क्लियर हो रहा है कि पेज को किस तरह से हम लोग व्यू करें, जो वर्क स्पेस है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है सिंपल वायर फ्रेम। सिंपल वायर फ्रेम क्या होता है? अगर आपने कोई वेबसाइट देखा हो तो उसको बनाते हैं, तो बनाने के पहले अगर जैसे मैं बना लूँ, मान के चलिए वेबसाइट है लाइक दिस, ओके। और इसका अगर मैं छोटा सा छोटा छोटा कर लेता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं मान लेता हूँ ये हो जाएगा मेनू बार, ठीक है, और ऊपर का ये मेनू बार हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जो हो जाएगा, और यहाँ पर इमेजेस के लिए, और मान के चलिए इस तरह से हम लोग कर लेते हैं कि लाइक दिस, ओके। और ये हो चुका है, और ये हो गया हमारा फुटर सेक्शन, ठीक है। तो एक इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो इस तरह से जैसे अगर अभी तो ये सिंपल मैंने बनाया ही है, अगर मान के चलिए इसमें हम कलर वलर कर देते हैं, कुछ भी कलर तो खैर किसी में करते नहीं है, जो भी वायर फ्रेम हम लोग बनाते हैं उसमें यही बनाते हैं मीनू बार, और इस तरह से ही बनाते हैं। तो उसको देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं वायर फ्रेम का। अगर यहाँ पर हम लोग करेंगे तो केवल और केवल हमें इसका वायर फ्रेम दिखेगा, जो ऊपर का जो बना हुआ है इसमें कलर और कुछ भी हम लोग करते हैं तो वो हमें नहीं दिखेगा। अगर मान के चलिए हम लोग कोई भी यहाँ से अगर सेप वगैरह है, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ इन्हेंस मोड करता हूँ, और अगर मान के चलिए इसमें मैं यहाँ पर कोई भी इफेक्ट लगा देता हूँ, मान के चलिए मैं कॉन्ट्यूर ही लगा देता हूँ, और मैंने यहाँ पर एक्चुअली क्या कह रहा है, टू लार्ज हो गया है। तो एक काम करता हूँ मैं, ये शायद बहुत छोटा है इसलिए ये दिख नहीं रहा है, ठीक है, और इसको मैं बढ़ा लेता हूँ, यहाँ से 3, यहाँ से बढ़ा लेता हूँ, अभी 1 है, थोड़ा और नीचे ले आता हूँ, ओके। और यहाँ पर स्पेसिंग कर देता हूँ 1 कम, ओके। और अब मैं इसको यहाँ से बढ़ा लेता हूँ 2, 3, 5, ठीक है। और बढ़ाने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अभी मैं आता हूँ और इसमें मैं कलर भी दे देता हूँ कोई अच्छा सा, तभी आप समझ पाए इसको। तो अभी ये इस तरह से आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर हम सिंपल वायर फ्रेम करेंगे तो यहाँ पर इफेक्ट भी नहीं दिखेगा कि यहाँ पर इफेक्ट दिया गया है, क्योंकि वायर फ्रेम एक नॉर्मली इस तरह से बनता है। कोई वेबसाइट होता है या कोई डिजाइनिंग होता है, इंटीरियर डिजाइनर भी इसी तरह से पहले किसी चीज़ का एक वायर फ्रेम क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद अंदर से बनाते हैं। वो किस तरह से होता है? वायर फ्रेम से पहले भी होता है, एक ड्राइंग होता है, फिर वायर फ्रेम बनता है। तो ये किस तरह से क्या बनता है, ये मैं एक वीडियो बनाऊंगा जब कोरल ड्रॉ खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिलहाल आप यही समझ लीजिए, ठीक है। ये सिंपल है, और वायर फ्रेम करेंगे तो इस वायर फ्रेम में क्या है, इसमें कलर वगैरह नहीं आएगा, लेकिन हमारी जो डिजाइन, जैसे हमने यहाँ पर कॉन्ट्यूर चलाया है तो उस कॉन्ट्यूर का ही यहाँ पर इफेक्ट दिख रहा है, लेकिन कलर वगैरह कुछ नहीं देखेगा। तो ये यहाँ पर है। उसके बाद ड्राफ्ट, तो ये ड्राफ्ट मोड में देखने के लिए यहाँ पर जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे मोड ही है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल में हमें नॉर्मल जो दिखता है उस तरह से दिखेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इनहेंस की, तो सबसे सही जो व्यू होता है हम लोग इनहेंस ही यूज करते हैं, क्योंकि इनहेंस में अगर कोई भी हम लोग इफेक्ट यूज करते हैं सब इफेक्ट हमें दिखते हैं, तो इनहेंस ही यूज करें। उसके बाद अगर बात करें पिक्सल्स की, तो इसमें पिक्सल्स के आधार पे ये लेता है। अगर मैं जूम करूं तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, तो ये पिक्सल्स के थ्रू ये ले रहा है। तो सबसे अच्छा यहाँ पर है हम लोग जो यूज करें, यहाँ पर है इनहेंस, इनहेंस आप यूज करिए, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, ये सिमुलेट ओवर प्रिंट है, ये क्या होता है, ये पहले मैं बता चुका हूँ जब मैंने आपको एडिट बताया था, तो यहाँ पर ओवर प्रिंट जो फिल होता है उसके लिए हम लोग यहाँ पर ये जब चेक रहेगा तभी ये ऑप्शन ये शो करेगा। अगर ये ओवर प्रिंट फिल हम लोग इफेक्ट देंगे तब ये नहीं दिखेगा, जब तक यहाँ पर आकर के हम लोगों ने यहाँ पर चेक नहीं किया हुआ है। सेम इसी तरह है ये रेस्टराइज कॉम्प्लेक्स इफेक्ट, इसमें भी कोई इफेक्ट है उसको भी हम लोग अगर चेक करेंगे तो वो भी दिखेगा। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें फुल स्क्रीन प्रीव्यू, तो ये अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर और जो भी है सब कुछ उसको हटा दिया गया है, और केवल हम लोगों को इसका फुल स्क्रीन प्रीव्यू दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ पर अगर इसको मैं जूम कर लूँ और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ लाइक दिस, ओके। और अब अगर मैं फिर से आता हूँ और अगर मैं करूँगा तो अभी आप देख रहे होंगे और बड़ा हमें यही दिख रहा है। और इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। और इसके बाद अगर नेक्स्ट आए, ये है प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली, सिलेक्टेड ओनली मान के चलिए अगर मैं केवल केवल इसको सेलेक्ट करता हूँ,
यहाँ पर मैं पिक टूल ले लेता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगर अब मैं यहाँ पर आकर के प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली करूँगा तो यहाँ पर जो सिलेक्ट है केवल और केवल वही शो करेगा। आप देख रहे होंगे इस तरह से ये केवल और केवल इसको शो कर रहा है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें क्या है पेज सॉर्टर व्यू। सॉर्टर व्यू क्या होता है, यहाँ पर जैसे बहुत सारे अभी पेज खुले हुए हैं, एक ये पेज है, एक ये है और यहाँ पर भी बहुत सारे चार पेज हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आकर के व्यू में अगर यहाँ पर करूँ तो ये सारे के सारे पेज हमें यहाँ पर सॉर्ट में दिख जाते हैं। उसके बाद हमें जो भी पेज चाहिए उस पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो वही पेज ये ओपन कर देगा। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो इस पेज को इसने ओपन कर दिया। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें व्यू मैनेजर, व्यू मैनेजर क्या होता है, इसमें पेज का सारा दिखाता है। यहाँ पर व्यू मैनेजर में दिख रहा है पेज वन, पेज वन ये है जो दिख रहा है, और अगर मैं बात करूँ व्यू पर पेज पर तो ये टू है, और अगर मैं थ्री पर आऊँ, थ्री पर आने के बाद प्लस कर दूँ तो ये भी ऐड हो जाएगा, यहाँ पर थ्री हो चुका है। और ऐसे अगर मैं फोर भी कर दूँ तो ये भी ऐड हो जाएगा, और हटाना है तो माइनस करते जाएंगे हट जाएंगे, कोई भी अभी ऐड नहीं है। और इसमें कुछ हमें सेटिंग्स मिल जाती हैं जैसे ये जूम करने के लिए, जूम इन जूम आउट। वैसे हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं, इसका ज़्यादा यूज कभी होता ही नहीं है, डायरेक्ट ही हम लोग यूज कर लेते हैं, तो डायरेक्ट आप यूज कर लीजिए। उसके बाद अगर हम लोग फिर नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पर व्यू मैनेजर हो चुका है। उसके बाद है रूलर। अब रूलर क्या होता है, यहाँ पर आपको ये दिख रहे होंगे ये रूलर्स है, इससे हम लोग अगर चाहें तो गाइडलाइन बना सकते हैं। मान के चलिए अभी आपको मैं दिखा दूँ जूम करके, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये कोई गाइडलाइन ही नहीं फॉलो कर रहा है। ये यहाँ पर ये मान के चलिए ये मेन वायर फ्रेम है, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कहीं भाग रहा है, ये कहीं भाग रहा है। तो इसको अगर हम लोग सही बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बेहतरीन होता है कि यहाँ से हम लोग गाइडलाइन बनाएँ। जैसे यहाँ से मैं पकड़ के ला रहा हूँ गाइडलाइन को, और यहाँ पर मैंने इसको रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद अब आप लोग अगर देखें तो यहाँ पर ये गाइडलाइन से अगर मैं इसको मिला दूँ तो यहाँ पर अगर मैं इस तरह से ये गाइडलाइन में मिल चुका है, और सेम इसको भी अगर हम लोग करें तो इसको भी इस तरह से हम लोग मिला सकते हैं, तो गाइडलाइन बना सकते हैं। गाइडलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि गाइडलाइन से बहुत सारे आप शेप कुछ भी बनाते हैं एक एक्यूरेट बन जाता है। तो गाइडलाइन का यूज आप लोग करें, कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इसके बाद कोरल ड्रॉ होने के बाद। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, अगर मैं अनचेक कर देता हूँ तो यहाँ पर ये जो रूलर थे वो गायब हो चुके हैं, तो ये रूलर के लिए है, अगर मैं चेक कर दूं तो ये वापस आ गया है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें ग्रिड, ग्रिड में क्या होता है, अगर मैं करूं डॉक्यूमेंट ग्रिड तो यहाँ पर आपको दिख रही होंगी ये ग्रिड से यहाँ पर आ चुकी है। अब अगर जैसे हम लोग बात करें, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ट्रीट कर देता हूँ, तो यहाँ पर हम लोगों को ग्रिड मिल जाती है, तो ग्रिड के हिसाब से भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये थ्री में आ रहा है, और इसको हम लोगों को चाहिए जितने में भी, जैसे कोई भी आप लोग ग्राफिक्स वगैरह बनाते हैं तो देखो यहाँ पर अगर मैं कर दूँ तो देखो यहाँ पर ये बन गया है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ये भी काफ़ी यूज होता है। जैसे आप कोई भी आप खास तौर पे आप कोई डिजाइनिंग बनाते हैं, मान के चलिए अगर आप लोगो या कोई भी डिजाइनिंग बनाते हैं तो इसका तो आपको काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, इसका गाइडलाइन का और भी है तो उसका भी यूज करते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर ग्रिड्स में बेस लाइन ग्रिड से, बेस लाइन ग्रिड क्या होता है कि केवल और केवल पेज के यहाँ पर बेस लाइन में ग्रिड्स आएंगी। अगर मैं यहाँ आपको दिखा दूँ और यहाँ पर अगर मैं कर दूँ इस अनचेक, और करने के बाद यहाँ पर आकर के मैं बेस लाइन ग्रिड करता हूँ तो यहाँ पर बेस लाइन में ग्रिड आ रही है, तो इस तरह से ग्रिड आ जाती है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें ये है गाइडलाइन। गाइडलाइन क्या होता है, अभी आपको ये जो दिख रही है गाइडलाइन, इनको अगर आप हाइड करना चाहते हो तो ये गाइडलाइन भी हाइड हो जाएगी, अभी नहीं दिख रही। अगर हम गाइडलाइन यहाँ से लाएंगे और रिलीज करेंगे तो गायब हो जाएगी। यहाँ पर है गाइडलाइन लेकिन शो नहीं कर रही, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से चेक नहीं करा है, तो अगर हम लोग चेक कर देंगे तो गाइडलाइन हम लोगों को शो कर जाएगी। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा शो। शो क्या है, पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर अभी आपको ये दिख रहा होगा ये पेज बॉर्डर ही है, अगर मैं यहाँ पर अगर इसको क्लिक कर दूँ तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पेज बॉर्डर गायब हो चुका है। तो अगर मैं वापस आऊँ और वापस आने के बाद अगर यहाँ पर मैं करूँ शो पर पेज बॉर्डर पर, तो ये पेज बॉर्डर वापस से शो हो जाएगा। उसके बाद ब्लेंड, अगर मैं ब्लेंड करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये डॉट डॉट करके आ रहा है। मैं इसको ग्रिड्स को एक को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ तो सारी ग्रिड्स सेलेक्ट हो जाएंगी और उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप देखो ये दिख रहा है ग्रिड्स की तरह ये आ रहा है, और ये क्या दिख रहा है, ये पेज का पेंटिंग एरिया दिख रहा है जो कि यहाँ पर है, कि इसके अंदर हमें जो बनाना है इसी के अंदर बनाएंगे, यही प्रिंट होगा। उसके बाद अगर मैं वापस आऊँ और वापस आने के बाद शो पर करूँ, इसके बाद क्या है, अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, ठीक है, तो ये गायब हो चुका है। उसके बाद एक और व्यू होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा है
इसकी बनाने के लिए इसकी डिस्टेंस भी आप कर सकते हैं, कितनी सेट करना है, ये बाय डिफॉल्ट सेट होती है। जब मैं आपको टूल्स मीनू बताऊंगा तब मैं आपको ये बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, सो ये हो चुका है, और अगर मैं पेज को ही वापस से कर देता हूँ और इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, ठीक है, ओके। और इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, रूलर्स को भी अभी फ़िलहाल के लिए डिसेबल, सॉरी रूलर्स तो रहेंगे, रूलर्स रहने दो, रूलर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रिड्स में हम लोग बेस लाइन ग्रिड्स को अभी अनचेक कर देते हैं, ठीक है। और अभी अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, तो नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है, शो हो चुका है, इनेबल रोल बार। ये क्या होता है, ये यहाँ पर हमें इसका यूज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर केवल ये इनेबल करने के लिए होता है। जैसे अभी हमने आपको ये बताया था सिमुलेट ओवर प्रिंट, ये भी सेम उसी तरह है। अगर इसको हम लोग यहाँ से इनेबल नहीं करेंगे तो आगे यहाँ पर आपको मिल जाता है, ये मिलेगा आपको इफेक्ट में, और यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा है रोल बार, यहाँ पर ये रोल बार को यूज करने के लिए हम लोग जब वहाँ पर चेक करेंगे तभी हम यहाँ से इफेक्ट कोई यूज करेंगे तो वो इफेक्ट यूज होगा। ये मैं जब आपको इफेक्ट बताऊंगा तब आपको अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पर केवल चेक करना रहता है, तो यहाँ से ऑप्शन चेक हो जाता है और फिर वहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको दिख रहा होगा स्नैप, स्नैप टू डॉक्यूमेंट ग्रिड दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ। डॉक्यूमेंट ग्रिड है, बेसलाइन ग्रिड है, और गाइडलाइन है, ऑब्जेक्ट है, स्नैप टू पेज है। अब स्नैप टू क्या होता है, मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, आप समझ चुके होंगे। और एक मैं यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, और साथ ही साथ में एक एलिप्स भी ड्रॉ कर लेता हूँ, और यहाँ से मूव टूल लेकर के सबसे पहले मैं इसको लैंडस्केप मूड में कर लेता हूँ। और करने के बाद अब मैं अभी देखो यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ ले जा रहा हूँ तो आपको कोई भी गाइडलाइन नहीं दिख रहा है कि आपको कहाँ ले जाना है, कैसे करना है। और अगर मैं यहाँ पर आ करके और यहाँ पर स्नैप टू करके और यहाँ पर डॉक्यूमेंट ग्रिड कर देता हूँ, तो अभी डॉक्यूमेंट ग्रिड दिखेंगे। इससे पहले यूज करने से पहले आपको यहाँ पर डायनामिक ग्रिड ऑन करना होगा। अब अगर हम लोग लाएंगे तो यहाँ पर आपको ग्रिड्स दिख रही हैं, देखो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि कहाँ है, थोड़ा सा आपको ग्रिड्स दिखा रहा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ग्रिड्स मिल जाती हैं, और अब ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा ये ग्रिड्स आ रही हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं। और व्यू में और भी सारे हैं, स्नैप टू में सबको ऑन कर देता हूँ। बेसलाइन ग्रिड, बेसलाइन ग्रिड से जब नीचे आएंगे तो नीचे में बेसलाइन में ग्रिड दिखाएगा, देखो ये दिख रहा है यहाँ पर, ये कहीं भी अगर हम लोग लाएंगे तो यहाँ पर ये आपको ग्रिड्स ये दिख रही हैं। पहले ये शो नहीं कर रही थी लेकिन अभी ये ग्रिड्स शो कर रही हैं। अगर मैं इसके यहाँ पर लाऊं तो यहाँ पर भी आपको दिख रही हैं, यहाँ पर लाता हूँ कहीं पर भी तो यहाँ पर ये बेस लाइन के लिए ग्रिड्स दिख रही है, ठीक है। और अगर मैं व्यू करूँ और इसके बाद स्नैप टू आ जाऊँ, उसके बाद है स्नैप टू गाइडलाइन, गाइडलाइन करें तो ये आपको गाइड करेगा कि कहाँ पर कैसे करना है। और भी यहाँ पर सारे हैं, मैं एक काम करता हूँ एक एक करके सारे को ओपन कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट, स्नैप टू ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट दिखाएगा एक दूसरे ऑब्जेक्ट में, और पेज, पेज को भी ले लेगा, देखो मैं इसको कर लेता हूँ और साथ ही साथ मैं पेज को भी कर लेता हूँ, ठीक है। और अब अगर मैं देखो इसको लाता हूँ तो यहाँ पर तो ये ऑब्जेक्ट के साथ करेगा ही करेगा, और इसके साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर पेज पर लाए तो देखो पेज से भी ये दिख रहा है। यहाँ पर मैं पेज के साथ लाता हूँ तो देखो यहाँ पर ये पेज का भी बेस लाइन ले करके कर रहा है, तो ये स्नैप टू पेज भी है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, अगर इसको यहाँ से अनचेक कर देंगे अब अगर हम लोग करेंगे तो अब कुछ भी यहाँ पर शो नहीं करेगा। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद अलाइनमेंट गाइडलाइन, अगर इसका यूज करें तो ये भी सेम वही है अलाइनमेंट करने के लिए। अभी मैं आपको दिखा दूं जैसे जूम करके, और अभी मैं यहाँ पर ला रहा हूँ तो देखो यहाँ पर ये शो कर रही है हल्की सी गाइडलाइन, और यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर ला रहा हूँ और इसके बाद आगे लाता हूँ तो ये अपने आप खुद से ले लेता है। देखो मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको, जूम कर दूँ थोड़ा सा, ओके। और अभी मैं इसको ले जाता हूँ तो मैं इतना लाता हूँ और उसके बाद ये सडनली उसमें लगा देगा, ये लग गया, ठीक है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट ही कर देता हूँ, अभी आप देखो यहाँ पर मैं ला रहा हूँ, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर से अगर मैं थोड़ा सा भी अंदर लाऊंगा तो ये देखो खुद से ले लिया, यहाँ पर आ रहा हूँ ये खुद से दे देता है, ये होता है। अगर मैं इसको अनचेक कर दूँ और अनचेक करने के बाद अब अगर मैं लाऊंगा तो देखो अब कहीं भी मैं ले आऊँ कुछ भी नहीं होगा, देखो कहाँ भी मैं ले आऊँ तो कुछ नहीं हो रहा है। अभी आप देख रहे होंगे स्पेस यहाँ पर आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर अलाइनमेंट कर चेक कर लूँ और अब अगर मैं यहाँ पर लाऊँ
तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखो अचानक सडनली ये इसमें मिला दिया है। अगर मैं यहाँ पर छोड़ दूँ तो यहाँ पर ये नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। उसके बाद लास्ट है सेटअप। सेटअप क्या होता है, इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, जो अगर मैं क्लिक करूँ कोई भी सेटिंग्स पर तो यहाँ पर आपको ये मिल जाता है ऑप्शन। और यहाँ पर आपको गाइडलाइन की काफ़ी मिल जाती है, गाइडलाइन है, और भी यहाँ पर हॉरिजेंटल, वर्टिकल, और भी बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं। अगर मैं व्यू पर आता हूँ और यहाँ पर आपको दिखा दूँ तो रूलर्स वगैरह के लिए सारे ये डिफॉल्ट सेटिंग है जो है, तो ये डिफॉल्ट सेटिंग हम लोग दे सकते हैं। ये डिफॉल्ट सेटिंग अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग केवल व्यू के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम लोग टूल्स मेनू पढ़ेंगे, यहाँ पर अगर ऑप्शन में आते हैं तो टूल्स मेनू में ऑप्शन में भी ये बताने के लिए है। तो यहाँ से भी हम लोग आपको जब पढ़ाएंगे तो आपको एक एक करके साफ बताऊंगा। तो इस वीडियो में और तो कुछ है नहीं, बकाया हम लोग सब कुछ कवर कर चुके हैं। तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, साइनिंग ऑफ।